Good morning, everyone. ओके गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें सभी लोग। दोज हुआ लाइव प्लीज कंफर्म, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग सपना। ओके फाइन, सो फटाफट लिंक को शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए और इस नए टॉपिक को एंजॉय कर पाए। देखिए, अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल यहां से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना? या 2 to 4 मार्क्स आप बोल सकते हो, 2 to 4 मार्क्स एवरी ईयर। तो आज और कल का जो सेशन है ये 2 से 4 मार्क्स आपको गेन कराने में मदद करेगी, ठीक है ना? तो 2 दिन के सेशन से आप ये मैक्सिमम 4 मार्क्स को आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना? तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लें सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। ज्ञानचंद गुड मॉर्निंग। दोज हुआ लाइव प्लीज कंफर्म इन अ चैट बॉक्स बाय द थंब सिंबल। एक अपन क्या करेंगे ना, मेगा मैराथन खेलेंगे, ठीक है ना? मेगा मैराथन खेलेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजों को कवर अप कर ले। अपना 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बेसिक डीएफए एनएफए मिनिमाइजेशन ये पहला चैप्टर था, दूसरा जो था वो अपना रेगुलर एक्सप्रेशन था, तीसरा ग्रामर एंड लैंग्वेजेस। ये 3 जो मेजर चैप्टर है, ठीक है ना, जहां से गेट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन यही 3 चैप्टर से आते हैं। तो ये 3 चैप्टर हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन के बाद ये हमारा 8 नंबर का, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज और कल में हम लोग पीडीए वाला पार्ट कवर अप करेंगे, ठीक है ना? एक मैराथन खेलेंगे और मैराथन खेलने के बाद, ठीक है ना, वो फिर क्या है कि अपना ट्यूरिंग मशीन और ये सब जितने भी चीजें बचे हुए हैं, ठीक है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि पीडीए के बाद आपका जो बचता है वो बचता है ट्यूरिंग मशीन, प्रॉपर्टीज एंड अनडिसाइडेबिलिटी। ये पूरा एक दिन का खेल है। तो एक दिन अगर 7 से 8 घंटे का मैराथन खेलेंगे वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, जो अपना सिलेबस में बचा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द पीडीए, पीडीए के अलावा जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो कवर अप करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन एंड यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ठीक है ना? दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस। इसके बाद है, ठीक है ना, डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस। ये सारे टॉपिक एक्चुअली में थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस। अब बहुत छोटे छोटे, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट हमें सभी लैंग्वेजेस का आइडिया लग चुका है, तो इन सब चीजों को डील करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपका बेसिक सारा क्लियर है, डीएफए एनएफए पीडीए लैंग्वेजेस ये सब चीजें अगर क्लियर है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है ना? लाइक यूनियन, कॉन्कैटिनेशन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, क्लिंस क्लोजर, इन सब के अंदर अगर प्रॉपर्टी डिसाइड करना है तो ये बहुत ज्यादा टफ जॉब नहीं होता है, ठीक है ना? इसके बाद है अनडिसाइडेबिलिटी। और एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे काउंटेबिलिटी। तो ये सभी थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत ही कम समय का है, ठीक है ना? ये पूरे टॉपिक को अपन को डील करने में लगेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम जो लगने वाला है, ठीक है, ये मैक्सिमम लगने वाला है 8 आवर्स, ठीक है? तो एक अपन मेगा मैराथन खेलेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। मेगा मैराथन खेलेंगे कब? 31st दिसंबर, ठीक है ना, 31st दिसंबर, और इस पूरे टॉपिक को अपन वाइंड अप कर देंगे।
ताकि नए साल की शुरुआत जो है मजेदार तरीके से हो। और इसके जस्ट बाद 31 दिसंबर को अपन मेगा मैराथन खेलेंगे, और उस मेगा मैराथन में मेरे दोस्त ये 8 आवर्स का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग ये सारा टॉपिक खत्म कर देंगे, और उसी दिन हमारा हो जाएगा टीओसी एंड। और जैसे ही हमारा टीओसी एंड होता है, जनवरी में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, माई 23 क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से हम लोग टीओसी को टाटा बाय बाय कर सके, ठीक है ना, माई 23 क्वेश्चन। तो इस मंथ जो है अपना कंप्यूटर नेटवर्क का चल रहा है, आई होप ऑल ऑफ यू नो, ठीक है ना, माई 23 क्वेश्चन ये अभी चल रहा है अपना सब्जेक्ट सीएन का, जिसकी टाइमिंग है शाम को 5 PM, आई होप ऑल ऑफ यू नो, ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो शाम को 5 बजे में अपना चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क माई 23 क्वेश्चन, ठीक है ना, और बहुत ही लाइक फायदेमंद है, अगर आप इसको अटेंड कर रहे होंगे तो यू कैन रियलाइज, ठीक है। तो ओवरऑल जो मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले गेट 23 में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को, उन सारे क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के आसपास के सारे पॉसिबिलिटीज को मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ यार। कोई भी इंसान अपना बेस्ट ही दे सकता है, ठीक है ना, आपको लाइक मैजिकल कुछ बता नहीं सकता है कि भाई ये पढ़ ले यही आएगा, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो आपको धोखे में रख रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट वी कैन डू, लुकिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, वी कैन प्रेडिक्ट, ओके, वी कैन गेस कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है उसके, वो आ सकते हैं। तो अभी अपना सीएन का चल रहा है, 31 दिसंबर को अपन एक मेगा मैराथन खेलेंगे, ठीक है ना, और उस मेगा मैराथन में ये बचे हुए टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब ये टॉपिक सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं और बहुत ही लाइक कम टाइम कंज्यूम करने वाले होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये अपना 1 घंटे का लगभग टॉपिक होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंग्वेजेस ये अपना 1.5 घंटे का टॉपिक होता है, डिसीजन प्रॉपर्टी अगेन ये अपना 1/2 आवर का होता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो डिसीजन प्रॉपर्टी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, तो ये लगभग अपना 1/2 आवर का होता है। अनडिसाइडेबिलिटी, इसमें अपन 2 घंटा स्पेंड करेंगे, उसके बाद लास्ट में बचता है अकाउंटेबिलिटी, जिसमें 1 घंटे का समय लगता है, और ओवरऑल मतलब ये जो टाइम है ये टाइम मैंने एज्यूम किया है अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल के साथ ये मैक्सिमम जो अपना है 8 आवर्स आपको टाइम स्पेंड करना होगा इस पूरे टॉपिक में। तो जैसे सुबह अपन 8 बजे से स्टार्ट करेंगे तो शाम को 4-4:30 बजे तक वाइंड अप कर करके खत्म कर देंगे, बात समझ में आ रहा है। और 31 दिसंबर मतलब इस साल का खत्म होते होते हम लोग इस सब्जेक्ट को टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है भाई, इस सब्जेक्ट को अपन टाटा बाय बाय कर देंगे। और इससे पहले जो भी टॉपिक है वो अपन कल परसों तक खत्म करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कहां से भाई, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो सभी लोग रेडी हैं, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें, ऑल ऑफ यू आर यू रेडी। मंजीत सिंह, काफी टाइम बाद सर, सर ये रिवीजन क्लास है, नहीं ये पूरा फुल कोर्स है, तमिल। सर टेलीग्राम ग्रुप नेम हाउ टू फॉलो, ठीक है ना, टेलीग्राम में अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, टेलीग्राम में अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस आईडी के थ्रू, ठीक है ना, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होगा, जिनको पता नहीं है वो इस टेलीग्राम आईडी को नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है ना, और इस आईडी के थ्रू आप मुझे एक सिंपल सा मैसेज कर सकते हैं कि सर आई एम अ सीएस गेट एस्पायरेंट्स एंड इमीडिएटली आई विल ज्वाइन यू इन साइड द ग्रुप, ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं उस ग्रुप में ही शेयर करता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को मिल जाए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ओवर सिंप्लीफाइड, वाह कोई बात नहीं, आप लेट हो गए हैं तो अभी ऐसा कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा से। देखिए अपना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 70% सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया,
ठीक है ना, 70% सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऑलरेडी हम लोग 7 to 8 marks के जो क्वेश्चंस आते हैं गेट में वो सारा पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। सभी को पता होगा ये जो क्लास है ये एक्चुअली में हमारे लाइव वेब वाले स्टूडेंट के लिए है, लेकिन यूट्यूबर्स के लिए ये पूरा का पूरा फ्री है। तो जो भी स्टूडेंट यूट्यूब के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको ये फुल कोर्स फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है गेट 2023 के लिए। एंड वन मोर थिंग, ये जो आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं टीओसी के, ठीक है ना, टीओसी का ये फुल कोर्स है, सभी को पता होगा टीओसी का ये फुल कोर्स है जो यूट्यूब में आपको मिल रहा है, ठीक है ना, जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। ये कोर्स जो है सिर्फ 15 जनवरी तक, 15 जनवरी 2023 तक YouTube में अवेलेबल रहेगा, प्लीज नोट इट डाउन। इससे पहले आपको कवर अप करना है, इससे पहले मेरे दोस्त आपको कवर अप करना है, ठीक है ना। तो चूंकि ये फ्री कंटेंट है तो आपको इस समय तक अपना ये टीओसी का जो फुल कोर्स है ये आपको वाइंड अप करना रहेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कंटेंट इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा, या बाद में आप मुझे ब्लेम करो कि सर ये कंटेंट में ये वीडियो मिसिंग है, वो वीडियो मिसिंग है, ठीक है ना, तो वो कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी तक ही आपके, ठीक है ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा। बाद में कुछ कंटेंट उसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो मेरा ये काइंड एडवाइस है आप सभी से, ठीक है ना, कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक में जा करके पढ़ ले। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सेशन ज्वाइन किया है, ठीक है ना, या अभी 2-3 सेशन पहले से आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना, तो आप इमिडिएटली बैक जा कर करके सारा का सारा लेक्चर्स आप एक बार फॉलो अप कर ले। सभी लेक्चर्स के लिंक जो है वो ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप चाहो तो ग्रुप से भी देख करके वन बाय वन आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि सर कंटेंट नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो भाई अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें और अपन स्टार्ट करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। चल ये फुल कोर्स है, यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। मिस्टर तमिल जो भी है, तमिल तमिल जो भी है, ठीक है भाई। चलिए चलिए, तो देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ग्रामर का ओवरव्यू देखते हैं। तो हम लोग जब ग्रामर स्टडी कर रहे थे अभी तक हम लोग जब ग्रामर स्टडी कर रहे थे मेरे दोस्त, तो ग्रामर में मैंने आपको बोला था बहुत टाइप के ग्रामर्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत टाइप के ग्रामर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था टाइप 3 ग्रामर। तो टाइप 3 ग्रामर में हम लोग जानते हैं इस तरह के ग्रामर को हम लोग रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है, वी बेसिकली से द रेगुलर ग्रामर। दूसरा जो ग्रामर होता है वो हमारा होता है टाइप 2 ग्रामर, और इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक बार ग्रामर का ओवरव्यू ले लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अब पुश डाउन ऑटोमेटा को समझेंगे, ठीक है ना। रेगुलर ग्रामर का फॉर्मेट क्या था मेरे दोस्त, तो वेरिएबल कैन डिराइव, ठीक है ना, टर्मिनल डॉट वेरिएबल, इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल, और द वेरिएबल कैन डिराइव टर्मिनल। यहां पर कंस्ट्रेंट क्या है कि टर्मिनल 1 जो है ये आपका एप्साइलन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, टर्मिनल 1 जो है वो आपका एप्साइलन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, टर्मिनल 1 जो है वो आपका एप्साइलन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, ये मैंने बोला था किसके बारे में, तो रेगुलर ग्रामर के बारे में। सिमिलरली अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री के बारे में बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल कैन डिराइव एनीथिंग, ठीक है ना। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है, अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे, नॉन टर्मिनल से, सिंगल नॉन टर्मिनल से आप कोई भी नॉन टर्मिनल प्लस टर्मिनल का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म डिफाइन इन द बुक, ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है बुक में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो इसी को मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, वेरिएबल कैन डिराइव एनीथिंग, मतलब कि प्रोडक्शन, जैसे यहां पर आप देखो प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पर प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड जो है
वो हमारा क्या है मेरे दोस्त, रेस्ट्रिक्ट क्या हुआ है कि सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल, और ये टर्मिनल एप्सिलॉन नहीं हो सकता है, या वेरिएबल कैन डिराइव सिंगल टर्मिनल, और इस तरह का डीएफ लाइक डेफिनेशन देने का बेसिकली रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग इस ग्रामर की मदद से डीएफए या एनएफए मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, यस और नो, डिजाइन कर सकते हैं, और अगर डीएफए एनएफए गिवन है तो वी कैन राइट अ रेगुलर ग्रामर, सो वी कैन वर्क इन बोथ द डायरेक्शन, एंड ऑलरेडी वी हैव सीन दैट कि अगर रेगुलर ग्रामर गिवेन है तो इससे डीएफए या एनएफए कैसे डिजाइन करेंगे, और अगर मशीन गिवेन है तो हाउ टू राइट अ ग्रामर, बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहां पर जैसे कि राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है कि हाँ यही होगा, लेकिन यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसीलिए इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री बोलते हैं, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये फ्री किया हुआ है, ठीक है ना, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो एक सिंगल नॉन टर्मिनल से आप कोई भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कंसिडरिंग, ठीक है ना, एस डिराइव, ठीक है ना, ए एस बी स्लैश एप्सिलॉन, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, होगा भाई, राइट साइड में कुछ भी आ सकता है, कितने भी टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। सेकंड, अगर मैं लिख रहा हूं एस डिराइव ए एस बी, ठीक है ना, ए एस बी एंड बी डिराइव, बी डिराइव, ठीक है ना, बी डिराइव ए बी, ठीक है ना, ए बी बी स्लैश एप्सिलॉन, तो ये भी हमारा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है ना, क्योंकि राइट साइड में एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स एंड द नॉन टर्मिनल्स कैन अपीयर, ठीक है ना। अब तीसरे में लेते हैं एस डिराइव ए एस बी एस एंड एप्सिलॉन, ठीक है ना, तो ये भी हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो यहां पर मेरे दोस्त हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है या ऐसा ग्रामर है जो हमारा रेगुलर भी है एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है। ये जो ग्रामर है ये रेगुलर भी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, क्योंकि अगर राइट साइड वाले पार्ट को आपने अनरेस्ट्रिक्टेड कर दिया तो जितने भी रेगुलर ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगे, लेकिन रिवर्स वाला पार्ट ट्रू नहीं हो सकता है। तो यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑल रेगुलर ग्रामर कैन बी कॉन्टेक्स्ट फ्री, but all context free grammar may not regular। बात समझ में आ रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ग्रामर है ये context free ग्रामर है, ठीक है ना, this is the context free grammar but not रेगुलर, बात समझ में आ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है लेकिन ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर के डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये जो है ये रेगुलर भी है एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, ठीक है ना। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज जनरेट होता है, ठीक है ना, इससे जो लैंग्वेज जनरेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जो मशीन डिजाइन होता है दैट इज कॉल्ड द पीडीए, जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, बात समझ में आ रहा है। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज बेसिकली कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड द करेस्पॉन्डिंग मशीन दैट एग्जिस्ट टू प्रोसेस द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज द पीडीए, दैट इज कॉल्ड द पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पुश डाउन ऑटोमेटा। चलो भाई यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई सभी लोग, यहां तक पॉइंट क्लियर है, कहीं पर कोई भी डाउट हो अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, और अगर डाउट नहीं है, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रामर वाले पोर्शन में देख लिए,
तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पीडीएम मशीन, फ्रॉम द पीडीएम मशीन। चलिए चलिए, ठीक है ना, ये तो आगे का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। 31st ध्यान में रखिएगा, 31st दिसंबर मेगा मैराथन फॉर द सब्जेक्ट टीओसी, ठीक है ना, ताकि 1 जनवरी हमारा मजेदार हो, ठीक है। 1 जनवरी जो है नया साल की शुरुआत एकदम मजेदार तरीके से हो, ये चीजें याद रखिएगा। चलिए चलिए चलिए। अच्छा मेरे दोस्त, जो हम लोग डीएफए मशीन बना रहे थे उस मशीन का स्ट्रक्चर कैसा था, आई होप यू रिमेम्बर। भाई ये हमारा फाइनाइट कंट्रोल है, ठीक है ना, और ये फाइनाइट कंट्रोल क्या कर रहा है, इस इनपुट को लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है मेरे दोस्त, स्कैन कर रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। और ये हमारा क्या है, तो दिस इज द इनपुट बफर, दिस इज कॉल्ड इनपुट बफर, जहां पर हम लोग किसको प्लेस करते हैं भाई, स्ट्रिंग को। और ये जो है ये हमारा इनपुट पॉइंटर है, और ये इस इनपुट को लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, स्कैन करेगा। सपोज इन द स्ट्रिंग वी आर कंसीडरिंग a1 a2 अप टू डॉट 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 an, तो यहां पर हम लोग स्ट्रिंग क्या कंसीडर कर रखे हैं, a1 a2 n लेंथ का ये एक स्ट्रिंग है, रैंडम स्ट्रिंग है, कितने लेंथ का, n लेंथ का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है भाई मेरे, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएफए मशीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएफए मशीन, आई होप यू रिमेंबर, सभी को याद होगा, ठीक है ना। ये डीएफए मशीन का स्ट्रक्चर है, ये डीएफए मशीन का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये हमारा फाइनाइट कंट्रोल है, एंड दिस फाइनाइट कंट्रोल इज नथिंग बट अ मशीन, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ मशीन, जो भी आप डीएफए मशीन बनाते हैं वो एक्चुअली में यहां पर होता है, ठीक है।
अभी आ रही है वॉइस? कितने टाइम से वॉइस नहीं आ रही थी? एक बार कंफर्म कर दे भाई, कितने टाइम से वॉइस नहीं आ रही थी? पूरा रामायण खत्म हो गया और वॉइस चला गया था बीच में, ठीक है ना? कितने टाइम से वॉइस नहीं आ रही थी? अच्छा, इस वाले पॉइंट से? क्या इस वाले पॉइंट से? चलो चलो समझो। देखिए, अभी तक हमारा पूरा डिस्कशन किस पे चल रहा था? डीएफए वाले पार्ट पे चल रहा था, ठीक है ना? और डीएफए मशीन का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है? डीएफए मशीन का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है मेरे दोस्त? एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो डीएफए मशीन का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है? तो एक हमारा इनपुट बफर है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रीम को प्लेस करते हैं, ठीक है ना? और ये हमारा फाइनाइट कंट्रोल है, एंड द फाइनाइट कंट्रोल इज नथिंग बट द मशीन दैट वी आर डिजाइनिंग, ठीक है ना? तो ये हमारा इनपुट बफर है, ठीक है ना? इनपुट बफर है जहां पर हम लोग इनपुट स्ट्रीम को प्लेस करेंगे। तो सपोज वी आर एज्यूमिंग द इनपुट स्ट्रिंग इज A1 A2 अप टू डॉट 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 AN। N साइज का एक इनपुट स्ट्रिंग है जिसको मैंने यहां पर इनपुट बफर में प्लेस कर दिया है। तो इस फाइनाइट कंट्रोल दैट इज मशीन का काम क्या है, इस इनपुट स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट ये स्कैन करें। सो आफ्टर द कंप्लीट स्कैनिंग ऑफ इनपुट, हमारे पास दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो हम लोग फाइनल स्टेट पे रीच करेंगे या नॉन फाइनल स्टेट पे। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, इफ यू आर रीचिंग टू द फाइनल स्टेट देन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, एंड इफ यू आर रीचिंग टू द नॉन फाइनल स्टेट देन रिजेक्ट द स्ट्रिंग, ठीक है ना? लेकिन ये डिसीजन कब होगा? जब आप स्कैनिंग को कंप्लीट करोगे, ठीक है ना? तो आफ्टर द कंप्लीट स्कैनिंग, ठीक है ना, यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे स्कैनिंग कंप्लीट हो रहा है। तो स्कैनिंग क्या हो रहा है, यहां पर कंप्लीट हो रहा है। तो स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद दो ही सिचुएशन है, अगर आप फाइनल स्टेट पे रीच कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, डब्ल्यू इज नथिंग बट द स्ट्रिंग, और अगर आप नॉन फाइनल पे रीच कर रहे हो देन रिजेक्ट द स्ट्रिंग। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डीएफए मशीन, जो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मशीन पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीडीए, ठीक है ना, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो डीएफए एंड पीडीए में बस छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है ना? डीएफए और पीडीए में बस छोटा सा क्या है मेरे दोस्त, डिफरेंस है। यहां पर अब ये पीडीए मशीन का आर्किटेक्चर है। तो इस आर्किटेक्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग स्टैक को हटा दें तो ये मशीन कैसा दिख रहा है, डीएफए, यस और नो? अगर आप यहां पर स्टैक को हटा दो तो दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक अ डीएफए। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि कोई भी प्रॉब्लम, सपोज पीआई इज अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो डीएफए मशीन सॉल्व कर पा रहा है वो पीडीए से भी सॉल्व हो जाएगा। उस सिचुएशन में स्टैक का कोई यूज नहीं होगा। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम जो हमारा डीएफए मशीन सॉल्व कर रहा है वो पीडीए भी सॉल्व कर सकता है, और जब डीएफए से सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स को पीडीए पे फीड करेंगे तो यहां पर स्टैक का कोई यूज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना? बट देर एग्जिस्ट सम मोर प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय द पीडीए बट कैन नॉट बी सॉल्व बाय द डीएफए। और वैसे प्रॉब्लम के लिए पीडीए मशीन क्या करेगा, इस स्टैक का इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और हमें ये पता है कि टीओसी में हर एक प्रॉब्लम किस फॉर्म में डिफाइन होता है, तो लैंग्वेजेस के फॉर्म में। एवरी प्रॉब्लम इन टीओसी इज बेसिकली डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस। सो ये ऐसे लैंग्वेजेस है जो डीएफए मशीन हमारा क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना? डीएफए मशीन सॉल्व कर रहा है। तो क्या इस प्रॉब्लम को पीडीए सॉल्व कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है, ठीक है ना? बट देर एग्जिस्ट सम प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाई द पीडीए एंड विच इज द बियॉन्ड द रेंज ऑफ डीएफए, जो डीएफए सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑल द प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय द डीएफए कैन आल्सो बी सॉल्व बाय द पीडीए, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर कोई प्रॉब्लम पीडीए से सॉल्व हो रहा है तो डीएफए से भी सॉल्व हो, क्या ये जरूरी है? नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो पावर है दैट इज द कंप्यूटेशनल पावर जो है पीडीए का हमेशा ज्यादा होगा किससे, डीएफए से।
क्योंकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो पीडीए मशीन सॉल्व कर रहा है उसका रेंज डीएफए से काफी बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन यहां पर मेरे दोस्त ये अराइज हो रहा है कि वो प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम है क्या जो पीडीए सॉल्व कर पा रहा है और डीएफए सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन इसी पे होगा, ठीक है ना। वॉट आर दोज प्रॉब्लम्स और यू कैन से दोज लैंग्वेजेस विच कैन बी सॉल्व बाई द पीडीए मशीन बट कैन नॉट बी सॉल्व बाई द डीएफए मशीन। Let's try to find out all those problems, or you can say the languages. Clear है भाई? यहां तक point clear है? अब हो गया एक बार recall, ठीक है ना? जो voice का issue था, वो clear हो गया? चलो, चलो। तो यहां पर हम लोग पीडीए के केस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डीएफए वाला स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा, एक एडिशनल स्ट्रक्चर हमारा आ गया है, क्या? स्टैक। और ये जेड नॉट क्या है? तो ये जेड नॉट जो है ये हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टैक सिंबल, इनिशियल स्टैक सिंबल। तो मेरे दोस्त आपको याद होगा कि डीएफए मशीन को हम लोग कितने टपल से डिफाइन करते थे। डीएफए मशीन बेसिकली डिफाइंड बाई द 5 टपल्स। क्या क्या थे भाई? ठीक है ना, तो ये अगर मशीन एम डीएफए है तो 5 टपल्स क्या क्या होंगे? सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, यस और नो, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, इनिशियल स्टेट एंड ट्रांजिशन फंक्शन। यही था ना कि किसी भी डीएफए मशीन को हम लोग कितने टपल से डिफाइन कर रहे थे? तो 5 टपल्स है। और वो 5 टपल्स हमारे क्या थे भाई? तो वो 5 टपल्स हमारे थे सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, इनिशियल स्टेट एंड ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है ना। अब मेरे दोस्त अगर आपको पीडीए डिफाइन करना हो, समझना बात को, इफ यू वांट टू डिफाइन द मशीन पीडीए, तो पीडीए के लिए कितने टपल्स की जरूरत पड़ेगी, पीडीए मशीन के लिए कितने टपल्स की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझना। तो ये सारे टपल्स तो रहेंगे ही, क्योंकि हमने क्या किया है कि डीएफए में, डीएफए से पीडीए में कन्वर्ट करने के लिए, डीएफए को पीडीए में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, ठीक है ना, बस एक इसमें हम लोग अगर स्टैक ऐड कर दें तो वी आर गोइंग टू द पीडीए मशीन। यही हो रहा है ना भाई? डीएफए मशीन में सिंगल स्टैक को जैसे ही मैंने अटैच किया तो इसका बिहेवियर कैसा हो गया? तो पुश डाउन ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ये पांचों के पांचों टपल्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे टपल्स आएंगे जो इस स्टैक के कारण अपीयर हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर है भाई? पीडीए इज नथिंग बट द डीएफए प्लस 1 सिंगल स्टैक, ठीक है ना। पीडीए इज नथिंग बट द डीएफए प्लस 1 सिंगल स्टैक। तो ये 5 टपल्स तो आएंगे ही, कुछ एडिशनल टपल्स आएंगे किसके कारण? स्टैक के कारण। तो पीडीए मशीन को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कितने टपल से? 7 टपल से। कितने टपल से डिफाइन करते हैं भाई? 7 टपल से। और वो 7 टपल्स क्या क्या है? लेट्स ट्राई टू थिंक। तो ये एम जो मशीन है ये पीडीए मशीन है, तो इसको 7 टपल से डिफाइन किया जाता है। तो ये पांचों तो रहेंगे ही, क्यू एफ सिग्मा क्यू नॉट एंड डेल्टा। 2 एडिशनल टपल्स आएंगे, क्या क्या? तो मुझे पता है कि एक इनिशियल स्टैक सिंबल होता है, तो एक तो जेड नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप स्टैक यूज कर रहे हैं तो स्टैक में कुछ पुश हो सकता है, कुछ पॉप हो सकता है, तो स्टैक पुश पॉप सिंबल, तो दैट इज नथिंग बट टाउ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो बाकी 5 के बारे में तो मुझे पता है, बाकी 5 के बारे में मुझे पता है, बस इसके बारे में हमें जानना है ये क्या है, स्टैक पुश पॉप सिंबल, स्टैक पुश पॉप, और यू कैन से सेट ऑफ, सेट ऑफ स्टैक पुश पॉप सिंबल। बात समझ में आ रहा है? एंड एंड अगर ये सेट ऑफ स्टैक पुश पॉप सिंबल है तो जेड नॉट बिलोंग्स टू टाउ, बोल सकते हैं जेड नॉट बिलोंग्स टू टाउ, ऐसा कह सकते हैं भाई? डेफिनेटली कह सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये 2 एडिशनल टपल्स हमारे इंक्लूड हो गए, किस केस में?
तो पीडीए के केस में, और ये दोनों एडिशनल जो टपल्स हैं ये टपल्स इंक्लूड हो रहे हैं किसके कारण, तो दीज आर इंक्लूडेड ड्यू टू द स्टैक, जिसमें से जेड नॉट हमारा क्या है इनिशियल स्टैक सिंबल है और टाउ हमारा क्या है दिस इज द सेट ऑफ स्टैक पुश पॉप सिंबल। बात समझ में आ रहा है, यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वेन एवर वी विल ट्राई टू डिजाइन अ पीडीए, ठीक है ना, उस समय कोई गिला सिकुआ ना रह जाए। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? तो पीडीए को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवन टपल से डिफाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन की। तो देखिए ट्रांजिशन फंक्शन की बात कर रहे हैं दोनों केसेस में भाई मेरे, यहां पर जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो दो चीजें पे डिपेंड कर रहा था, करंट स्टेट एंड करंट इनपुट, और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना। तो यहां पर QI हमारा क्या है, तो ये हमारा करंट स्टेट है, ठीक है ना, करंट स्टेट है, और ये क्या है, तो इस करंट स्टेट में ए इनपुट देने के कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेट कौन से में मूव कर रहे हैं, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। भाई अगर कहीं पर भी सेल्फ लूप है, तो QI QJ के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि DFA के केस में जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, किस पे, करंट स्टेट एंड करंट इनपुट। ये हमारा क्या है, तो दिस इज द करंट इनपुट। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो बस दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, करंट स्टेट क्या है, करंट इनपुट क्या है। लेकिन अब पीडीए के केस में ये तीन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, ये दोनों तो रहेंगे ही, इसके अलावा तीसरा पैरामीटर क्या होगा, स्टैक, ठीक है ना। तो पीडीए के केस में मेरे दोस्त जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, करंट स्टेट, करंट इनपुट एंड कंटेंट ऑफ स्टैक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेट हम लोग कहां मूव कर रहे हैं, सपोज वी आर माइग्रेटिंग टू द क्यूजे, क्यूजे एंड द कंटेंट ऑफ स्टैक हैज बिकम बीटा, ठीक है ना। तो यहां पर ये अल्फा बीटा का मतलब क्या है कि करंट स्टेट हमारा क्या था, QI, QI स्टेट में आप ए इनपुट दे रहे हैं, और इस सिचुएशन में स्टैक का कंटेंट क्या है भाई, तो स्टैक का ये कंटेंट है अल्फा, कुछ भी हो सकता है अल्फा, ठीक है ना, वो भी हम लोग एग्जांपल पे देखेंगे। तो QI स्टेट में जब हम लोग ए इनपुट दे रहे थे उस समय स्टैक का ये टोटल कंटेंट क्या था, अल्फा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेट हो गया है, लेकिन अब स्टैक में हलचल हुआ है, स्टैक में हलचल हुआ है और इसका कंटेंट चेंज होकर करके क्या हो गया भाई मेरे, बीटा हो गया। अगेन द सिचुएशन कुड बी, यहां पर अल्फा बीटा के बराबर भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट। बात समझ में आ रहा है? ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटेंट ऑफ द स्टैक और ये हो गया नेक्स्ट कंटेंट ऑफ द स्टैक। क्योंकि देखिए स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है भाई, स्टैक की अगर हम लोग बात करें, तो स्टैक में सपोज कोई पुश पॉप ऑपरेशन नहीं हुआ, नो पुश पॉप ऑपरेशन। तो अगर स्टैक में मेरे दोस्त कोई भी पुश पॉप ऑपरेशन नहीं हुआ तो इस सिचुएशन में अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है ना। या स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, या तो कुछ पुश हो गया है, ठीक है ना, या कुछ पॉप हो गया, ठीक है ना, और इन दोनों ही सिचुएशन में अल्फा कभी भी बीटा के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, कि स्टैक में क्या क्या हो सकता है, या तो आपने कोई भी पुश पॉप ऑपरेशन नहीं किया, या तो आपने पुश किया, या तो आपने पॉप किया। अगर कोई भी पुश पॉप ऑपरेशन नहीं हो रहा है स्टैक के अंदर
तो अल्फा बीटा के बराबर होगा, और अगर पुश या पॉप कोई भी ऑपरेशन होता है तो अल्फा बीटा के बराबर कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि पीडीए के केस में जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो तीन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, करेंट स्टेट, करेंट इनपुट जो कि सिमिलर है किसके, डीएफए के, एंड अलॉन्ग विद दैट इट डिपेंड्स अपॉन द करेंट कंटेंट ऑफ स्टैक। तो यहां पर अल्फा हमारा दोष क्या है, ये हमारा क्या है, तो दिस इज द करेंट, क्या बोल सकते हैं, कंटेंट ऑफ स्टैक, और बीटा को क्या बोल देंगे, नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट कंटेंट ऑफ स्टैक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल से शुरू करते हैं क्योंकि इन सारी बातों को समझने के लिए एग्जांपल को डील करना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़े भाई, भाई सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स दिखना चाहिए चैट बॉक्स में। इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न यू हैव टू कनेक्ट, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ठंड लग रही है आराम से लेटे रहो देखते रहो प्रवचन बाबा जी का, ठीक है ना। सो आई एम नॉट अ बाबा जी भाई, इफ यू वॉन्ट टू लर्न बी एक्टिव, अदरवाइज यू कैन वॉच लेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, रिकॉर्डेड तो पढ़ा ही हुआ है, जब चाहे तब देख लो, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, एक मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, एन इक्वल टू सपोज गिवेन है ए टू डी पावर एन बी टू डी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज गिवेन है 1, और आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर एन। चलो भाई बताइए कैसे बनाओगे इस लैंग्वेज के लिए, कैसे हम लोग डीएफए बनाएंगे, एवरीवन सोचो और बताओ, तब हम लोग धीरे धीरे स्विच करेंगे कहां पर, पीडीए की तरफ। क्यों नहीं बन सकता मिस्टर विंटर, क्यों नहीं बन सकता, जब तक क्यों का आंसर पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग आगे कुछ कर नहीं सकते। मिस्टर विंटर, व्हाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द डीएफए, देखिए दो लैंग्वेजेस हम लोग ले रहे हैं, समझना, अब थोड़ा सा कहानी समझिए, ठीक है ना, 10 मिनट पेन एंड पेपर साइड रख करके पूरे कहानी को समझिए, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा लैंग्वेज हम लोग क्या ले रहे हैं, दूसरा लैंग्वेज ले रहे हैं n इज इक्वल टू, और दोनों लैंग्वेज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, a का पावर n b का पावर m, वेयर एन एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो अलग अलग लैंग्वेज है, इन दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, ये बोल रहा है कि ए और बी का जो काउंटिंग है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ए और बी का काउंटिंग इंडिपेंडेंट है। इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं, एनी काउंटिंग ऑफ ए फॉलोड बाय एनी काउंटिंग ऑफ बी हैविंग एटलीस्ट 1A and 1B, यही बोल रहा है, ठीक है ना, और ये क्या बोल रहा है, एनी काउंटिंग ऑफ ए फॉलोड बाय सेम काउंटिंग ऑफ बी Having at least 1A and 1B. तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि A और B का काउंटिंग जब भी आएगा सेम आएगा, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, A और B का काउंटिंग सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। इसके लिए मेरे दोस्त, इस लैंग्वेज के लिए अगर आपको कोई डीएफए बनाने के लिए बोले तो आप बहुत इजिली डीएफए बना सकते हो, कैसे बनाओगे भाई,
इसके लिए डीएफए कैसे बनाएंगे, पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। एटलीस्ट वन ए, यहां से मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या जनरेट होगा भाई, यहां से मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जनरेट होगा ए बी, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, उसके बाद डबल ए बी ले लो, उसके बाद ए डबल बी ले लो, बात समझ में आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, एनी काउंटिंग ऑफ ए एंड बी है, ठीक है ना। तो इसके लिए डीएफए कैसे बनाएंगे, एटलीस्ट वन ए और वन बी को लेकर करके, वन बी को लेकर करके हम लोग कहां चलेगा भाई, फाइनल स्टेट में, ठीक है ना, और यहां पर बी का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा। देखिए ये मशीन मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी, लेकिन इस बी के पहले ए का कोई भी काउंटिंग आ सकता है और यहां पर भी बी का कोई भी काउंटिंग हो सकता है। अब ये क्या कंप्लीट डीएफए है, नहीं है। तो इसको कंप्लीट डीएफए बनाने के लिए बेसिक डेफिनेशन हमारा क्या था, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए यूनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। तो पहले वाले स्टेट पे ए के लिए ट्रांजिशन है, बी के लिए नहीं है, तो बी पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल माइग्रेट टू द डेड स्टेट, और ये डेड स्टेट पे ये हमारा हो गया सेल्फ लो, ठीक है ना। अब इस पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, इस पे बी के लिए है, ए के लिए नहीं है, तो ए पे क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, और ये हमारा बन गया डीएफए, ये हमारा बन गया मशीन डीएफए फॉर द गिवन लैंग्वेज एल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों का काउंटिंग हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट था, दोनों का काउंटिंग क्या था भाई, इंडिपेंडेंट था। अब इस लैंग्वेज को अगर हम लोग समझे तो इस लैंग्वेज से जेनरेट होने वाला सेट ऑफ स्ट्रिंग हमारा क्या है, तो ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब हर जगह ए और बी का काउंटिंग क्या आ रहा है भाई, सेम आ रहा है। इस सेट ऑफ स्ट्रिंग में ए और बी का काउंटिंग हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इसके लिए अगर आप डीएफए बनाने की कोशिश करोगे तो डीएफए आप कैसे बनाओगे, व्हेनेवर यू विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट, तो ए बी लैंग्वेज में बिलोंग कर रहे हैं तो इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया, उसके बाद है डबल ए डबल बी, तो डबल ए, ठीक है ना, डबल बी, इसको भी मैंने क्या करा दिया, एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इस स्टेट पे रिचेबिलिटी किसके कारण है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्सेप्ट हो रहा है, अब तीसरा स्ट्रिंग कौन सा है, ए क्यू बी क्यू, तो डबल ए और एक और ए ले लिया, तो ट्रिपल ए, ठीक है ना, बी, ठीक है ना, एक बी दो बी, और ये हमारा तो बी था ही, ट्रिपल बी, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ए बी एक्सेप्ट हो रहा है डबल ए, ठीक है ना, डबल ए डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो रहा है, तो अब यहां पर मैंने क्या एक्सेप्ट करा दिया, ए क्यू बी क्यू। नेक्स्ट स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, ए का पावर फोर बी का पावर फोर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहां पर ए और फिर से यहां पर बी और यहां पर आ जाएंगे ऐसे। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो इनफाइनाइट तक ग्रो कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेट भी सिमिलरली, नंबर ऑफ स्टेट भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इफ वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए, इट विल हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। Can we design any machine with the infinite number of state? Since we are talking about finite state machine, आपको starting में ही मैंने बताया था, हमें क्या बनाना है, finite state machine बनाना है। इसका full form क्या होता है, finite state machine, ठीक है ना। तो किसी भी language L के लिए we have to construct a FSM, that is the finite state machine. But here, what we are observing for this particular language, whenever we will try to design a machine, it will have an infinite number of state, which is not possible. ठीक है ना? So we cannot design any machines which can have infinite number of state, because there is no logic. इस पे कोई logic समझ में नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग क्या observe कर रहे हैं? If नोट दे करके आप क्या लिख सकते हो? If we will try to design DFA for above language
देन मशीन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट विच इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट एज वी आर टॉकिंग अबाउट एज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट स्टेट मशीन. ठीक है ना, एक ऐसा मशीन जिसमें सिर्फ फाइनाइट स्टेट ही हो सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट को कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते. एंड दैट्स व्हाई डिजाइनिंग अ डीएफए फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल. क्लियर है भाई? अब आप लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं. इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है ना, मैं ऊपर कर दूंगा, नीचे वाले पार्ट को भी लिख लेना. बताना तो मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूंगा. ठीक है ना, फटाफट इसको लिखो. अब बताना तो मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूंगा. यहां तक तो हो ही गया होगा, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं ताकि आप इस मशीन को बना लो. एक्चुअली कुछ स्टूडेंट के क्या है ना, पेपर स्टार्ट हो गए, लाइक देवशीष है, मोनिका है, एंड आई थिंक निखिल भी है, जिनके पेपर चल रहे हैं. ठीक है ना, जिस वजह से वो स्टूडेंट सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे. एंड दोज आर द स्टूडेंट कनेक्टेड थ्रू द यूट्यूब ओनली. हो गया भाई? ठीक है ना, हो गया. आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. तो एक बात तो समझ में आ गया कि इसके लिए अगर हम लोग डीएफए बनाने की कोशिश करेंगे, द डीएफए मशीन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलवेज वी थिंक अबाउट द फाइनाइट स्टेट मशीन. ठीक है ना, किसी भी मशीन को डिजाइन करने के लिए हमें बस एक ही चीज माइंड पे रखना है, द नंबर ऑफ स्टेट शुड हैव फाइनाइट. ठीक है ना, द नंबर ऑफ स्टेट शुड हैव फाइनाइट. ठीक है, तो डेफिनेटली डीएफए तो नहीं बना सकते हैं. अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं पीडीए की. तो हाउ टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विद द मोर पावरफुल मशीन दैट इज कॉल्ड द पीडीए. लेकिन पीडीए डिजाइन करने से पहले स्टैक के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है. तो मेरे दोस्त यूज ऑफ स्टैक की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि पीडीए मशीन में क्या हो रहा है, स्टैक यूज हो रहा है. तो यूज ऑफ स्टैक, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्टैक को हम लोग क्यों यूज करते हैं, स्टैक का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक का हम लोग यूज कहां कहां करते हैं. तो डीएफएस में करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सिंग में करते हैं, ग्राफ थ्योरी में. ठीक है ना, और स्टैक का इस्तेमाल कहां करते हैं भाई? मई बोलो भाई. ठीक है ना, स्टैक का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हो आप? ठीक है ना, रिकर्शन में आप करते हो. ठीक है ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भाई. ठीक है ना, पेज विजिटिंग हिस्ट्री में हम लोग कहां क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैक का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि स्टैक रियलिटी में करता क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैक. एवरीवन जस्ट टेल मी एंड प्लीज डोंट बी साइलेंट इन अ चैट बॉक्स इफ यू डोंट वांट टू लाइक
पढ़ने का मूड नहीं है, एंजॉय करने का मूड है, एंजॉय कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 31 तक ऐसे भी ये खत्म होने वाला है। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि स्टैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एनी आंसर, एनी आंसर। एकदम साइलेंट मूड में चले गए हैं सब, ठीक है ना। इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलता है, चाहे डीएफएस हो, चाहे रिकर्शन हो, या पेज विजिटिंग हिस्ट्री हो, ठीक है ना। इन तीनों जगहों पे, इन तीनों एप्लीकेशंस में हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, क्यों? कोई भी आंसर दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? यार रजाई से हाथ निकाल कर करके टाइप करने में टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है बताइए भाई। निशु, ओके ओके मेरे दोस्त, आपने रिकर्शन पढ़ा होगा। रिकर्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, अपने आप को ही क्या करता है, कॉल करता है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से ये कॉल करता है और किसी पॉइंट पे आकर के ये क्या होता है, टर्मिनेट होता है, ऐसे ही होता है ना, टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो रिकर्शन का मतलब होता है द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर करके हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो जब यहां पर टर्मिनेट होगा तो ये बैक ट्रैक करेगा, तो बैक ट्रैक कर कर करके आप यहां पर आते हो। तो इसका लोकेशन अगर पता ना हो तो आप यहां पर आ सकते हैं क्या? अंटिल एंड अनलेस यू विल स्टोर द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉल्ड फंक्शन, यू कैन नॉट कम ओवर हियर, यस और नो? बात समझ में आ रहा है भाई? इस पॉइंट पे अगर आप टर्मिनेट कर गए हो तो बैक इस पॉइंट पे आने के लिए इसके लोकेशन को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और इसके लोकेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई मेरे, स्टैक को यूज करते हैं। मतलब कि इस पॉइंट पे क्या हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, तो इसके पहले ये सभी क्या है, प्रीवियस कॉल्स हैं, ये सब क्या है, दीज आर, यू कैन से दीज आर कॉल्ड प्रीवियस कॉल्स। पहले ये टर्मिनेट होने से पहले ये सारे कॉल्स हुए थे, तो इस प्रीवियस कॉल्स को मेमोराइज करने के लिए, क्या करने के लिए, इस प्रीवियस कॉल्स को मेमोराइज करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैक का इस्तेमाल भाई। कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप बैक ट्रैक कर सकते हैं भाई। यहां से हम लोग यहां पर आए, फिर थोड़े देर बाद यहां से यहां पर आएंगे, फिर यहां से यहां पर आएंगे, तो ये बैक ट्रैक करने के लिए इन सारे कॉल्स को, सपोज ये कॉल नंबर 1 है, कॉल नंबर 2 है, कॉल नंबर 3 है, इन सभी कॉल्स को हमें क्या करना है, स्टैक में स्टोर करना है। तो देखिए कैसे चल रहा होगा, तो सबसे पहले कॉल नंबर 1 को मैंने स्टोर कर लिया, फिर कॉल नंबर 2 को स्टोर कर लिया, फिर कॉल नंबर 3 को स्टोर कर लिया। अब क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो यहां पर टर्मिनेट हुआ, तो टर्मिनेट होने से पहले क्या कॉल हुआ था ये कैसे पता चलेगा, बाय टॉप ऑफ द स्टैक, बाय टॉप ऑफ स्टैक। तो टर्मिनेट होने से पहले क्या कॉल हुआ था ये आपको कैसे पता चल रहा है, तो स्टैक के टॉप वाले कंटेंट से पता चल रहा है। बात समझ में आ रहा भाई, स्टैक के टॉप वाले कंटेंट से हमें ये बात पता चल जा रहा है कि इसके पहले जस्ट हमारा क्या कॉल हुआ था। तो एक्चुअली में स्टैक हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो प्रीवियस कॉल्स को मेमोराइज करने के लिए।
ऑल द प्रीवियस कॉल्स हैज टू बी मेमोराइज, ठीक है ना, इन शॉर्ट एंड ऑर्डर, इन शॉर्ट एंड ऑर्डर। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लाइक अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, जानना जरूरी है तभी आप आगे चीजों को समझ पाओगे। सपोज एक बंदा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, एक्स है, तो वो इस पॉइंट से वाई तक गया, वाई से जेड तक गया, और इस जेड के बाद ये कहां पर गया, डब्ल्यू तक गया, तो ये इसका ट्रैवलिंग पाथ है, ट्रैवलिंग पाथ है। और सपोज ये इसका डेस्टिनेशन है, कोई एक बंदा है जो इस पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया है, सबसे पहले वो वाई लोकेशन पे गया, फिर जेड लोकेशन पे गया, और फिर डब्ल्यू लोकेशन पे गया। अब इस बंदे को बैक कहां पर आना है, यहां पर इसका काम खत्म हो गया, तो बैक इस बंदे को कहां पर आना है, एक्स पे आना है। तो बैक एक्स पे आने के लिए इसे लोकेशन पता होना चाहिए कि जब ये आ रहा था तो कौन कौन से लोकेशन पे ये विजिट किया था। अगर ये इंफॉर्मेशन इसके पास होगा तो ये वापस से कहां आ सकता है, एक्स पे आ सकता है। तो होता क्या है कि जब कभी भी, मतलब ये बंदा अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट टाइम पे ट्रैवल करते समय अपने साथ स्टैक को भी यूज कर रहा है, ठीक है ना, तो जब ये इस लोकेशन को छोड़ रहा था उस समय इसने क्या किया, स्टैक के अंदर इस लोकेशन को स्टोर कर लिया, ये पहुंच गया नेक्स्ट लोकेशन कहां पर, वाई पे। जैसे ही ये लोकेशन वाई को छोड़ेगा वैसे ही ये क्या कर रहा है, अपने स्टैक में वाई के भी लोकेशन को इसने क्या कर दिया, स्टोर कर लिया। अब ये जेड पे पहुंचा, जैसे ही ये लोकेशन जेड से आगे बढ़ेगा ये अपने स्टैक में क्या स्टोर कर लिया, इस जेड का लोकेशन को स्टोर कर लिया। तो दिस इज द वाई एंड जेड, और ये पहुंच गया कहां पर, डब्ल्यू पे। तो डब्ल्यू पे ये अपना काम कर रहा है, और जैसे ही इसका काम खत्म होगा अब इसको बैक आना है, तो बैक आने के लिए इस बंदे के पास ऑलरेडी एक स्टैक है, और ये स्टैक इसको सारा इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है ना। तो जब ये बैक ट्रैवर्स करेगा तो बैक ट्रैवर्स करने के लिए ये किसकी मदद लेगा, स्टैक की मदद लेगा। तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल द विजिटिंग पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, ठीक है ना, जितने भी पॉइंट पे, जितने भी प्लेसेस पे ये विजिट किया है, उन सभी विजिटिंग प्लेसेस को ये क्या कर रहा है, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, किसकी मदद से, स्टैक की मदद से। बात समझ में आ रहा है। तो अब W से पहले कौन से लोकेशन पे ये बंदा था, अगर इसको पता करना है तो ये सिर्फ देखेगा, ये बंदा कहां देखेगा भाई, टॉप ऑफ द स्टैक पे, एंड लुकिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक इट कैन मूव टू द लोकेशन जेड, और जैसे ये जेड पे पहुंचेगा स्टैक से जेड जो है वो हमारा क्या होगा, पॉप हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, वाई एंड एक्स। अब आप जेड पे पहुंच चुके हो तो टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल को क्या करना है, पॉप कर देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉप ऑफ द सिंबल क्या है, वाई, मतलब कि जेड से पहले वो कहां विजिट किया था, वाई पे। तो अब लुकिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक इट कैन अगेन बैक ट्रैवर्स, और इस पॉइंट पे स्टैक का कंटेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स। अगेन लुकिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक इट कैन कम टू द एक्स, और इस पॉइंट पे स्टैक का कंटेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। मतलब कि ये बंदा समझ गया है कि यही हमारा लास्ट प्लेस था जहां पर से मैंने स्टार्ट किया था। भाषण में आ रहा है। तो इन रियलिटी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज समथिंग। ये पॉइंट क्लियर है भाई, स्टैक का पूरा यूज समझ में आ रहा है। यहां पर हम लोग यही काम करेंगे, पीडीए के केस में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम चीजें करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं, सेम प्रॉब्लम को मैं फिर से कंसिडर कर रहा हूं, और देखते हैं कि स्टैक की मदद से वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, हाउ टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है ना। तो लैंग्वेज हमारे पास क्या था, लैंग्वेज हमारे पास गिवन था, ठीक है ना, लैंग्वेज हमारे पास गिवन था a का पावर n, b का पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मुझे पता है कि इस लैंग्वेज में बिलोंग करने वाले सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे क्या क्या होंगे भाई, तो दैट इज ए बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, a to the power 3, b to the power 3 and so on, इस तरह से इनफाइनाइट स्ट्रिंग है। सो कंसीडर एनी वन ऑफ द स्ट्रिंग, सपोज इस स्ट्रिंग को मैंने उठाया, देखिए कभी भी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी पीडीए मशीन डिजाइन करने से पहले
पीडीए मशीन डिजाइन करने से पहले ठीक है ना, आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक, लॉजिक डायरेक्टली पीडीए मशीन स्टार्ट नहीं करना है, डू नॉट ट्राई डिजाइनिंग अ पीडीए मशीन डायरेक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक टू डिजाइन अ पीडीए एंड देन गो फॉर डिजाइनिंग अ पीडीए मशीन। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग लॉजिक फाइंड आउट कर रहे हैं कि पीडीए मशीन डिजाइन कैसे किया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को यहां से कंसीडर किया, व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट कंसीडर अ स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज एल। तो ये स्ट्रिंग को अगर आप लिखो तो कैसे लिखोगे भाई, ट्रिपल ए फॉलोड बाय ट्रिपल बी, ठीक है ना। अब हमें पता है ये स्ट्रिंग कहां होता है, इनपुट बफर में, और हम लोग स्कैन कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट यही करते हैं ना। बेसिक आर्किटेक्चर हमारा पीडीए का क्या था, ये हमारा इनपुट बफर है और इस इनपुट बफर को लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। कौन स्कैन कर रहा है भाई, फाइनाइट कंट्रोल इसको स्कैन कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पर हमारा स्टैक है, दैट इज द जेड नॉट, ठीक है ना, जेड नॉट विच इज द इनिशियल स्टैक सिंबल। तो इसको लेफ्ट टू राइट हमें क्या करना है, स्कैन करना है। और यहां पर इनपुट पे क्या है, तो दिस इज द ए ए ए बी बी अगेन बी, ठीक है ना, ये हमारा है इनपुट पे। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले जब आप ए को रीड कर रहे हो तो टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल क्या है, जेड नॉट है। तो यही चीज यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं, व्हेनेवर वी आर रीडिंग द इनपुट सिंबल ए इन दैट टाइम व्हाट इज द टॉप ऑफ द स्टैक कंटेंट, दैट इज द जेड नॉट, यस और नो। इसी बात को हम लोग यहां पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब फाइनाइट कंट्रोल जो है पहली बार ए को रीड करेगा तो उस समय टॉप ऑफ द स्टैक कंटेंट क्या था, जेड नॉट था। लॉजिक हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं कि जितना ए रीड होगा उतना ही बी रीड होगा। मींस अगर ए के रीडिंग को मेमोराइज कर ले तो आगे हमें पता रहेगा कि कितने बी को रीड करना है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर ए के रीडिंग को हम लोग मेमोराइज कर ले, याद कर ले कि कितना ए रीड हुआ है, तो आगे चल कर करके उतने ही बी हमें क्या करना है, रीड करना है। क्यों, क्योंकि ए और बी का काउंटिंग सेम है। तो अल्टीमेटली हमें यहां पर क्या करना है, ए के काउंटिंग को मेमोराइज करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है ना, मेमोराइज मेमोराइज काउंटिंग ऑफ एज सो दैट लेटर ऑन सेम काउंटिंग ऑफ बीस कुड बी रीड। So this is the logic that we are going to apply. बात समझ में आ रहा है, ये logic हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी एक accounting आप read कर रहे हो उसको आप memorize कर लो, ताकि बाद में हम लोग same counting of B को क्या कर सके, read कर सके। और अगर ऐसा होता है accept the string, नहीं होता है reject the string, simple। बात समझ में आ रहा है, simple, clear है भाई। निशु, नहीं मैं बीच में गया था लेकिन अब मैं कोलकाता में नहीं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए, वी आर रीडिंग ए, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल इज जेड नॉट, और इसको मेमोराइज करना है। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने स्टैक में एक्स को पुश कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज द स्टैक पुश पॉप सिंबल, ठीक है ना। तो स्टैक में हमने क्या किया, अब इसी को स्टैक के थ्रू विजुलाइज करिए, ठीक है ना। इनिशियल स्टैक सिंबल था हमारा जेड नॉट, मैंने ए रीड किया, ए रीड करने के बाद स्टैक में एक्स को मैंने क्या कर दिया है, पुश कर दिया, ठीक है, एक्स को मैंने क्या किया है, पुश कर दिया। सो ऑन रीडिंग द फर्स्ट सिंबल ए व्हाट वी हैव डन, ऑलरेडी स्टैक में जेड नॉट था, अब स्टैक में मैंने एक्स को क्या कर दिया है, पुश कर दिया। तो स्टैक कुछ इस तरह से दिखेगा, अगेन रिपीट द सेम थिंग, मतलब एक बात क्लियर है, यहां पर ये x क्या है, तो ये स्टैक का पुश पॉप सिंबल है, tau is the set of stack push pop symbol, so we will include x over here, now see,
तो लेफ्ट टू राइट हम लोग स्कैन करते हुए जा रहे हैं, ए का स्कैनिंग कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग क्या स्कैन कर रहे हैं, ए। सो अगेन इफ यू आर रीडिंग ए अगेन पुश एक्स, तो यहां पर स्टैक में कौन आएगा, एक्स आएगा। फिर से हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, ए रीड कर रहे हैं, तो फिर से हमें क्या करना है, पुश एक्स, तो यहां पर स्टैक में कौन आएगा मेरे दोस्त, सो अगेन इंसर्ट एक्स। अब आप खुद ही देख पा रहे हो इस पूरे स्टैक को, अगर आप ध्यान से देखो इस स्टैक में आपको क्या दिख रहा है, कितने नंबर ऑफ एक्स है, 1 2 3, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ ए कितने बार रीड हुआ है, 3 बार रीड हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे दोस्त क्या रीड होगा, इसके बाद यू आर रीडिंग बी, ठीक है ना। तो तीनों ए के करस्पॉन्डिंग हमने एक एक स्टैक सिंबल पुश कर दिया, कहां पर, स्टैक में। अब इतने ही नंबर ऑफ बी हमें क्या करना है, रीड करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले बी के रीडिंग पे मैंने इसको पॉप कर दिया, तो यहां पर ये क्या होगा मेरे दोस्त, पॉप हो चुका है, मतलब इसको मैंने हटा दिया। फिर से क्या रीड हो रहा है, बी रीड हो रहा है, तो फिर से मैंने इसको क्या किया, नेक्स्ट स्टैक सिंबल को पॉप कर दिया है, तो ये फिर से क्या होगा, हट जाएगा। फिर से क्या रीड हो रहा है, बी रीड हो रहा है, तो इसको भी मैंने क्या किया, पॉप कर दिया, मतलब कि ये क्या हो चुका है, हट चुका है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो यू कैन इमेजिन दिस इज द एप्साइलन। तो देखिए इसके बाद कौन रीड होगा, एप्साइलन रीड होगा, तो मेरे दोस्त एप्साइलन रीड हो रहा है, और इस समय टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल क्या है, जेड नॉट है, तो दिस वन विल बिकम द टर्मिनल कंडीशन, ठीक है ना भाई। एप्साइलन रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, इसका मतलब है कि जितना ए रीड हुआ था उतना ही बी रीड हो चुका है, तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट द स्टैक। बात समझ में आ रहा है, तो किसी भी, समझ रहा, इसी बात को मैं लोग, हम लोग ट्रांजिशन में लिख रहे हैं कि अगर आप QI स्टेट में हैं और इस समय एप्सिलॉन रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है, समझ रहा, यू आर प्रेजेंटली यू आर एट द QI स्टेट एंड यू आर रीडिंग द एप्सिलॉन एंड टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल इज क्यू नॉट, यही वाला सिचुएशन है। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कब होगा, जब आप फाइनल स्टेट पे जाओगे, तो यू आर माइग्रेटिंग टू द फाइनल स्टेट लिविंग द टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल। समझ में आ रहा है भाई, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया है, हम लोगों ने ट्रांजिशन लिया है, कहां पर, फाइनल स्टेट पे, स्टैक में जो था वही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो दिस वन विल बिकम द टर्मिनल कंडीशन टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। तो फाइनली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि सेट ऑफ स्टैक सिंबल में वी हैव ओनली टू सिंबल, दैट इज एक्स एंड जेड नॉट। जेड नॉट तो हमारा इनिशियल स्टैक सिंबल था ही, हम लोगों ने एक एक्स को भी रख लिया है क्योंकि वो जरूरी था यहां पर। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक, दिस इज द सिंपल लॉजिक टू डिजाइन अ पीडीए। अब इसी लॉजिक को हमें क्या करना है, मैप करना है, किसमें, पीडीए में। इसी लॉजिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, मैपिंग करने वाले, ठीक है ना, किसमें, पीडीए मशीन। तो चलिए आगे देखते हैं हाउ टू डिजाइन अ पीडीएम मशीन, ठीक है ना, हाउ टू डिजाइन अ पीडीएम मशीन। बट बिफोर डिजाइनिंग अ पीडीएम मशीन कंसीडर वन मोर स्ट्रिंग। सपोज अगर हमने स्ट्रिंग लिया है, क्या सपोज अगर हमने स्ट्रिंग लिया है डबल ए ट्रिपल बी, मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए भाई। कोई भी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट शुड बी रिजेक्टेड बाय द मशीन। तो चलिए देखते हैं रिजेक्ट कैसे होगा। तो ए रीड हो रहा है इनिशियली, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल क्या है, जेड नॉट है, तो मैंने एक्स को पुश कर दिया। फिर से ए रीड हो रहा है, मैंने एक्स को पुश कर दिया, तो दो बार ए रीड हुआ है, तो दोनों के काउंटिंग को मैंने मेमोराइज कर लिया। अब क्या रीड हो रहा है, बी रीड हो रहा है, तो एक्स को पॉप करेंगे, अगेन बी रीड हो रहा है, एक्स को पॉप करेंगे। अब मेरे दोस्त फिर से क्या हो रहा है, बी रीड हो रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है, मतलब कि जितना ए रीड हुआ था उतना यहां तक बी रीड हो चुका है। अब ये एक्स्ट्रा बी है, ये एक्स्ट्रा बी है, तो बी रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है, मतलब इसके लिए कोई मेमोरी अवेलेबल नहीं है। बात समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, नो मेमोरी अवेलेबल अवेलेबल ऑन दिस इनपुट,
ऑन दिस इनपुट, मतलब इसके लिए कोई मेमोरी अवेलेबल है ही नहीं, कोई एक्स है ही नहीं, ठीक है ना, यस ऑर नो, इसके लिए कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं है। सिंपली व्हाट वी कैन से, किसी भी स्टेट क्यू आई पे अगर आप बी रीड कर रहे हो, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है, मतलब कि बी के करस्पॉन्डिंग कोई मेमोरी नहीं है, तो हमें हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट कैसे होगा, तो पीडीए के केस में रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है कैसे, इफ दिस ट्रांजिशन इज फाइ, इफ दिस ट्रांजिशन इज फाइ, सो इफ देट डू नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांजिशन ऑन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन देन सिंपली रिजेक्ट द स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग रिजेक्ट कर देना। फाई का मतलब क्या है, नो ट्रांजिशन अवेलेबल, नो ट्रांजिशन अवेलेबल, ठीक है ना मेरे दोस्त। ऑलरेडी डीएफए पे हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर बी इनपुट पे ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है तो क्या है, स्कैनिंग, स्कैनिंग यहीं पर आकर के क्या हो गया है, अटक गया है। क्या स्कैनिंग कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है तो स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, स्कैनिंग स्कैनिंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है ना, कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है। और स्कैनिंग अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी भी इनपुट पे तो सिंपली मींस रिजेक्ट द स्ट्रिंग, सिंपली मींस रिजेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, आपको स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देना है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ इंस्टेंस में अगर आपको ट्रांजिशन नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में उस स्ट्रिंग को क्या करना है मेरे दोस्त, रिजेक्ट कर देना है। यही डिफरेंस है डीएफए एंड पीडीए में। डीएफए में, डीएफए के केस में हम लोग क्या देख रहे थे, हर एक इनपुट पे ट्रांजिशन मैंडेटरी ही था और स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद दो सिचुएशंस थे, फाइनल और नॉन फाइनल। अगर आप फाइनल पे हैं एक्सेप्ट, नॉन फाइनल पे हैं रिजेक्ट, यही हो रहा था ना डीएफए के केस में। तो डीएफए के केस में एक्सप्लिसिटली हम लोग हर एक इनपुट पर ट्रांजिशन दे रहे थे, किसी को छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन पीडीए के केस में क्या होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप पीडीए के केस में कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट कब हो रहा है, अगर किसी भी पॉइंट पे उसको ट्रांजिशन नहीं मिल रहा है, किसी भी पॉइंट पे उसको ट्रांजिशन अगर नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल रिजेक्ट द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगेन फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंसिडरिंग द स्ट्रिंग डबल ए बी बी ए बी, तो मेरे दोस्त मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली मशीन क्या करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा। तो स्कैनिंग यहां से स्टार्ट होगा और यहीं पर आकर के स्कैनिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यस ऑर नो, यहां पर आकर के स्कैनिंग क्या होगा, रुक जाएगा। तो क्या स्कैनिंग कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना। तो एक्सप्लिसिटली हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन हो पीडीए के केस में ये मैंडेटरी नहीं है, बात समझ में आ रहा है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट गेटिंग द ट्रांजिशन ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट सिंबल देन इट सिंपली मींस रिजेक्ट द स्ट्रिंग। नाउ लेट्स सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पीडीए। देखिए, एक प्रॉब्लम पे मैं इतना टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम आप खुद से बना पाओ, ठीक है ना, ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप खुद से बना पाओ। नाउ लेट्स सी, इन सभी लॉजिक को कंबाइन कर करके अब हम लोग पीडीए मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पीडीए मशीन कैसे बनेगा, ये हमारा क्यू नॉट स्टेट है, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग को भी साथ ही साथ कंसीडर करके रखो, सपोज ये दिया हुआ है डबल ए डबल पी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है, तो हम लोग एक्स पुश कर रहे थे। फिर से ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, एक्स है, तो हम लोग एक्स पुश कर रहे थे। तो इस कहानी को हम लोग यहां पर ट्रांजिशन में शो कर रहे हैं। तो सी, फर्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर रीडिंग ए, द टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल इज जेड नॉट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक में एक्स को पुश कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको समझने का तरीका क्या होता है, इस ट्रांजिशन को समझने का तरीका क्या हो रहा है कि ए रीड हो रहा है, पहला वाला पार्ट इनपुट को शो कर रहा है और दूसरा वाला पार्ट जो है टॉप ऑफ द स्टैक को शो कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर रीडिंग ए, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल इज जेड नॉट, तो हमें क्या करना है, एक्स को पुश कर देना है।
तो अब यहां पर एक्स पुश हो गया है, कैसे समझ में आ रहा है? तो जेड नॉट पहले से था, अब इसके ऊपर कौन आ गया है? एक्स आ गया है। तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक्स है वो हमारा पुश हो चुका है। ये समझने का बस एक फेयर है, ये समझने का क्या है मेरे दोस्त, एक फेयर है, ठीक है ना। तो ये वाला सिचुएशन मेरा कवर अप हो गया। फर्स्ट टाइम जब आप ए रीड कर रहे थे, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट था, तो मैंने एक्स को पुश कर दिया। अब दूसरा सिचुएशन क्या होगा नेक्स्ट टाइम, ये तो पहला ए के रीडिंग पे हो गया, नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से ए रीड कर रहे हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या होगा? एक्स। तो इस ट्रांजिशन को भी शो करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर रीडिंग ए, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है भाई? एक्स है। तो फिर से हमें क्या करना है मेरे दोस्त? एक्स को पुश कर देना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स लिख सकते हैं भाई। ये तो पहले वाला एक्स था और ये नया एक्स जो पुश हुआ है, तो कहानी खत्म भाई। अब कितने भी नंबर ऑफ ए हो, सभी के लिए यही ट्रांजिशन चलेगा ना। सपोज मैंने ट्रिपल ए ट्रिपल बी ले रखा है, तो क्या होगा? ए के रीडिंग पे टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है एक्स, फिर से ए रीड हो रहा है एक्स, फिर से ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है? एक्स ही है। तो फिर से एक्स पुश करेंगे। मतलब फॉर एनी नंबर ऑफ एक्स वी कैन यूज दिस ट्रांजिशन, लेकिन कुछ समय के बाद क्या आने वाला है? बी आने वाला है। तो अगर बी रीड हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है, तो हमें इसे क्या करना है? पॉप करना है। तो सी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर रीडिंग बी, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल इज एक्स, देन पॉप इट। पॉप का मतलब क्या हो गया? एप्साइलन। तो यहां पर इस एप्साइलन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे स्टैक को खाली कर दो। इस एप्साइलन का मतलब क्या है कि ये हमारा प्रेजेंट टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल था, अब इस टॉप पे एक्स के जगह एप्साइलन आ गया है। समझ रहा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है ना। इस तरह का सिचुएशन है, ये तो हमारा जेड नॉट था, ठीक है ना, और ये इस तरह से एक्स है, एक्स एक्स एक्स। तो ये हमारा प्रेजेंट टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है, ठीक है ना, प्रेजेंट टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है। बी रीड हो रहा है, एक्स हमारा प्रेजेंट टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? पॉप कर रहे हैं। मतलब कि अब इस स्टैक के टॉप पे भाई, इसको जब आप पॉप करोगे, इसको जब आप पॉप करोगे, ये तो जेड नॉट था, ये एक्स है, ये एक्स है, यहां क्या बचा रहेगा? एप्सिलॉन। ये मैं शो कर रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। यहां पर अभी एक्स था, बी के रीडिंग पे टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल एक्स था, इसको जब आप पॉप करोगे तब यहां क्या रहेगा? एप्सिलॉन। कुछ भी नहीं है तो नल है, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि पूरे स्टैक को खाली कर दो। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? ओनली पॉप टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल। और ये नेक्स्ट ट्रांजिशन कहां पर जा रहा है भाई? तो सपोज दिस इज Q1, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या रीड कर रहे हैं भाई मेरे? बी रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है? एक्स है। तो फिर से इसको पॉप करो। चलो अब फिर से हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? बी टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में है एक्स, तो इसको मैंने पॉप कर दिया, ठीक है ना। और टर्मिनल कंडीशन क्या होगा? एप्साइलन। तो मेरे दोस्त, अगर आप एप्साइलन रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, मतलब जितना ए रीड हुआ था उतना बी रीड हो चुका है, यस और नो? जितना ए रीड हुआ था उतने ही काउंटिंग ऑफ बी क्या हो चुका है? रीड हो चुका है। तो इसको एक्सेप्ट करना है। तो दिस इज द टर्मिनल कंडीशन। तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे भाई मेरे? तो अगर आप एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, लेट इट बी जेड नॉट एंड मूव टू द फाइनल स्टेट एंड मूव टू द एंड दिस वन विल बिकम योर फाइनल पीडीएम। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फाइनल पीडीएम मशीन। यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई सभी लोग? यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? चलिए अब आपको दो काम करना है, ठीक है ना, आपको दो काम करना है। एक तो मैं ही कर दे रहा हूं, देखिए, तो आपके पास एक ही काम बचेगा।
देखिए ये पीडीए मशीन सही है या गलत है इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। सपोज यहां पर एक हम लोग स्ट्रिंग सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, ए ए बी ए बी। मुझे पता है ये जो पीडीए मशीन बना है वो किस लैंग्वेज के लिए बना है, ए का पावर एन बी का पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इस लैंग्वेज के लिए हम लोग पीडीए मशीन बनाए हैं। क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स सी। चलिए सबसे पहले जब ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो ए रीड हो रहा है जेड नॉट है, आपको क्या करना है, एक्स पुश करना है। फिर से ए रीड हो रहा है, ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स पुश कर रहे हैं। इसके बाद बी रीड हो रहा है, और ये सारे ऑपरेशन कौन से स्टेट में हो रहा है, क्यू नॉट पे, क्यू नॉट पे। अब क्यू नॉट स्टेट पे ही क्या रीड कर रहे हैं भाई, बी रीड कर रहे हैं, तो क्यू नॉट पे अगर बी रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है, तो आपको क्या करना है, पॉप करना है, और नेक्स्ट स्टेट कहां पर जाना है, क्यू वन पे, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेट क्यू वन पे चलेगा, ठीक है ना। अब क्यू वन स्टेट पे ए रीड हो रहा है, क्या कोई ट्रांजिशन है, क्यू वन स्टेट पे ए के रीडिंग पे कोई ट्रांजिशन है, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्यू वन स्टेट पे अगर आप ए रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है मेरे दोस्त, एक्स है। क्यू नॉट स्टेट, क्यू वन स्टेट पे ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है, तो इसके लिए कोई ट्रांजिशन क्या अवेलेबल है, पाई। पाई का मतलब क्या हो गया, नो ट्रांजिशन अवेलेबल, और अगर कोई भी ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है इसका मतलब है सिंपली रिजेक्ट द स्ट्रिंग, सिंपली रिजेक्ट द स्ट्रिंग। बात समझ में आ रहा है, सिंपली हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देना है। क्लियर है भाई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इस मशीन से हाउ टू राइट अ ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम द गिवन पीडीए, तो इस पीडीए मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे। सी हाउ टू राइट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम दिस पीडीए मशीन, तो देखिए कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त। क्यू नॉट स्टेट पे अगर आप ए इनपुट दे रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, टोटल कितने ट्रांजिशन है, देखिए टोटल कितने ट्रांजिशन है भाई, तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन एंड फाइव ट्रांजिशन, टोटल पांच ट्रांजिशन है, तो पांचों ट्रांजिशन को कैसे लिखेंगे। तो क्यू नॉट स्टेट पे अगर आप ए इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है, तो हम लोग कहां माइग्रेट हो रहे हैं, वी आर माइग्रेटिंग टू द सेम स्टेट क्यू नॉट, और स्टैक में क्या पुश हो रहा है भाई, एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। दूसरा ट्रांजिशन क्या है, क्यू नॉट स्टेट पे ए इनपुट रीड हो रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक में एक्स है, तो वी आर माइग्रेटिंग टू द सेम स्टेट क्यू नॉट बाय इंसर्टिंग एक्स इनटू द स्टैक, ठीक है ना। सिमिलरली क्यू नॉट स्टेट पे अगर आप बी रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है, तो हम लोग माइग्रेट कहां हो रहे हैं, क्यू वन स्टेट पे माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना, और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल को हमने क्या कर दिया है, पॉप। सिमिलरली क्यू वन स्टेट पे अगर आप बी रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक में एक्स है, तो हम लोग वापस से क्यू वन पे ही जा रहे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल को पॉप कर रहे हैं। और लास्ट का टर्मिनल कंडीशन, क्यू वन स्टेट पे एप्सिलॉन रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो क्यू वन स्टेट पे एप्सिलॉन रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है, तो हम लोग माइग्रेट कहां कर रहे हैं भाई मेरे, तो हम लोग फाइनल स्टेट पे माइग्रेट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनसाइड द स्टैक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांजिशन। अब मेरे दोस्त आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है, तो इस ट्रांजिशन फंक्शन से क्या हम लोग पीडीए मशीन बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। ये अगर ट्रांजिशन फंक्शन ही सिर्फ गिवन हो, ठीक है ना, ये ट्रांजिशन फंक्शन गिवन हो, तो इस ट्रांजिशन फंक्शन से हम लोग ये पीडीए मशीन बना सकते हैं, या अगर पीडीए मशीन गिवन है तो इस पीडीए मशीन से हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं, वी कैन वर्क इन बोथ द डायरेक्शन। बस दो इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्या क्यू नॉट यहां पर क्या है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, एंड क्यू एफ हमारा क्या है, फाइनल स्टेट। तो अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का इंफॉर्मेशन पता हो तो हम लोग इसको इजिली बना सकते हैं।
So given a PDA machine, we can write a transition function, and if the transition function is given, then we can create a PDA machine. बात समझ में आ रहा है भाई? चलिए, अगर यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यहां पर बात समझ में आ रहा है, तो एक और छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको तीन चार लैंग्वेज दूंगा, उसके लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ मशीन ड्रॉ करना है। अब मेरे दोस्त, सपोज सपोज अगर मैं आपको ये लैंग्वेज दू, दूसरे में इसके लिए पीडीएफ मशीन बनाओ, लाइक ए का पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देख करके ही लग रहा है कि ये मशीन रेगुलर है, सॉरी ये जो लैंग्वेज है रेगुलर है एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट फ्री है, एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट फ्री है, यस और नो? कॉन्टेक्स्ट फ्री है। इसका मतलब है किसके लिए डीएफए भी बन सकता है भाई, अगर रेगुलर है मेरे दोस्त, रेगुलर है तो इसके लिए हम लोग डीएफए भी बना सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो इसके लिए हम लोग पीडीए भी बना सकते हैं, पीडीए बना सकते हैं। डीएफए कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बनाया भी है, ठीक है ना? ये हमारा क्यू नॉट स्टेट है, यहां पर अगर हम लोग ए इनपुट लेंगे तो ये हम लोग मूव कर रहे हैं फाइनल स्टेट पे, और यहां पर अगर हम लोग फिर से ए इनपुट लेंगे, हम लोग फाइनल स्टेट पे ही मूव कर रहे हैं, दिस इज द फाइनल स्टेट, ऐसे बनेगा। अब मेरे दोस्त, इसी के लिए जब आप पीडीए बनाओगे तो पीडीए में स्टैक का कोई यूज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो जब आप पीडीए मशीन बनाओगे तो पीडीए मशीन में डेफिनेटली स्टैक को तो शो करना पड़ेगा, लेकिन स्टैक में ना ही कुछ पुश करेंगे ना ही कुछ पॉप करेंगे, मतलब क्या करने वाले हैं हम लोग? तो ये सपोज हमारा क्यू नॉट स्टेट है, क्यू नॉट स्टेट में ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो लेट इट बी जेड नॉट, और हम लोग यहां मूव कर गए फाइनल स्टेट पे। फिर से इस फाइनल स्टेट क्यू एफ पे अगर आप ए रीड कर रहे हो, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो लेट इट बी जेड नॉट, मतलब कि इस पूरे ट्रांजिशन में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नो पुश पॉप ऑपरेशन, नो पुश पॉप ऑपरेशन रिक्वायर्ड, ऑपरेशन रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? यहां पर कोई भी पुश पॉप ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो डीएफए से सॉल्व हो रहा है करेस्पॉन्डिंग पीडीए से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस समय स्टैक का कोई यूज नहीं होने वाला है। अगर मेरे दोस्त यहां तक चीजें समझ में आ रहा है, तो मैं आपको तीन प्रॉब्लम दे रहा हूं, तीनों के लिए आपको क्या करना है, पीडीए मशीन डिजाइन करना है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है ना? डिजाइन PDA, PDA बहुत ही आसान सा दे रहा हूं, फॉर फॉलोइंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, ठीक है ना? लैंग्वेजेस, सबसे पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज आपको इस तरह से गिवन है, ए का पावर एन, बहुत ही आसान सा दे रहा हूं, अभी मैं डिफिकल्टीज लेवल को इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, इसके लिए पीडीए मशीन बना करके दिखाइए, ठीक है ना? दूसरा, n इज इक्वल टू ए का पावर n, b का पावर m, एंड अगेन a का पावर n, वेयर एन एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना? थर्ड में गिवन है, n इज इक्वल टू a का पावर n, b का पावर n, c का पावर m, वेयर एन एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फोर्थ में गिवेन है, एन इज इक्वल टू ए का पावर एन, बी का पावर एम, एंड सी का पावर एन प्लस एम, वेयर एन एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिफ्थ में गिवेन है, एन इज इक्वल टू ए का पावर एन, बी का पावर एन, एंड सी का पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना? ये पांच प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यू हैव टू डिजाइन अ पीडीए मशीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग अ पीडीए मशीन, व्हाट आई वांट कि आप मुझे इसका सॉल्यूशन शेयर करिए, ठीक है ना? तो चलिए चलिए,
इसके लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ मशीन डिजाइन करना है, एंड वेन एवर यू आर डिजाइनिंग अ पीडीएफ मशीन मस्ट शेयर मी योर सॉल्यूशन, एंड दिस इज माई टेलीग्राम आई डी, दिस इज माई टेलीग्राम आई डी, ठीक है ना, ये मेरा टेलीग्राम आई डी है। तो वेन एवर यू आर गेटिंग एनी सॉल्यूशन यू कैन शेयर विथ मी, ठीक है ना, यू कैन शेयर विथ मी। क्योंकि देखिए जब भी आप प्रैक्टिस फेज में होते हैं, जब भी आप कुछ सीखने के फेज में होते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी होता है एक टीचर के लिए भी कि आपके थॉट प्रोसेस को समझना। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस बीइंग अ टीचर आई विल बी एबल टू एनालाइज योर थॉट प्रोसेस, आई कैन नॉट गाइड यू इन अ बेस्ट लेवल, ठीक है ना। तो आपको बेस्ट लेवल पे मैं गाइड कर पाऊं इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी सॉल्यूशन कर रहे हो, जो भी आपके थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, इन सभी के लिए जब आप मशीन डिजाइन कर रहे हो, उस थॉट प्रोसेस को समझना कि बच्चा कहां कहां गलती कर सकता है, क्या क्या गलत सोच सकता है, भाई हमें क्या करना है, हम क्या क्या गलत डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये पता चल जाए तो बेस्ट डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टोटल 10 मिनट्स एंड शेयर योर सॉल्यूशन इन माई टेलीग्राम आई डी, दिस इज माई टेलीग्राम आई डी एंड डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपने सॉल्यूशन शेयर किया हो और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास टोटल जो है वो 10 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है। ट्राई योर सेल्फ एंड शेयर मी द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करिए, पीडीएफ मशीन बनाने की कोशिश करिए हर एक प्रॉब्लम के लिए, और जैसे जैसे बन रहा है, ऐसा नहीं कि छो का एक साथ बनाना है भाई, जिसका भी पहले बन जाए उसका आप शेयर कर दो, फिर दूसरा ट्राई करो, फिर दूसरा बन गया उसका शेयर कर दो। और ऐसा भी नहीं कि इसी ऑर्डर पे बनाना है, सपोज ये आपसे सबसे पहले बन रहा है इसी का बना दो, या ये बन रहा है इसका बना दो, जिसका भी पहले बन रहा है उसको आप बनाओ और मुझे शेयर करो, ठीक है भाई।
चलिए सर कितने लेक्चर लगेंगे कंप्लीशन होने में? भाई 3 लेक्चर सफिशियंट है शशांक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ठीक है ना। पीडीए मशीन से रिलेटेड 2 लेक्चर होंगे आज और कल, ठीक है ना। और 31 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर मेगा मैराथन से खत्म होगा, ठीक है। तो संडे अपन हॉलीडे भी मनाएंगे और मस्त तरीके से पूरा कंटेंट खत्म भी करेंगे। तो लास्ट जो चैप्टर रहेगा, ठीक है ना, कल तक में अपन पीडीए पूरा वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और 31 दिसंबर बीच में गैप रहेगा क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, कुछ बच्चे प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहे। तो कल का लेक्चर के बाद सीधा का सीधा 31 दिसंबर को एक लास्ट लेक्चर होगा मेगा मैराथन, लगभग 8 घंटे का। और उस मेगा मैराथन में अपन जो है, जो लास्ट वाला पोर्शन है, ट्यूरिंग मशीन, अनडिसाइडेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंग्वेजेस एंड काउंटेबिलिटी, ये पूरा का पूरा वाइंड अप कर देंगे। आई होप सभी लोगों ने अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई किया होगा। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में आप स्टैक को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। द स्टैक कैन बी मैनिपुलेटेड एज यू विश, आप स्टैक को जैसा चाहे वैसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। योर अल्टीमेट गोल शुड बी डिजाइन अ पीडीए। जैसे कि पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो पहले क्वेश्चन में मेरे दोस्त एक एक काउंटिंग के ट्वाइस काउंटिंग है, किसका? बी के काउंटिंग का है, ठीक है ना। तो मींस स्ट्रिंग कैसा जनरेट होगा? ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। मींस इसमें से अगर किसी भी स्ट्रिंग को हम पकड़े लाइक डबल ए, तो बी का काउंटिंग कितना है? 4 है। तो यहां पर अगर हम लोग क्या करें कि हर एक ए के काउंटिंग पे, देखिए जब पहली बार आप ए को काउंट कर रहे हैं तो हर एक ए के काउंटिंग पे अगर हम लोग 2 स्टैक सिंबल को पुश कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक ए के काउंटिंग पे अगर 2 स्टैक सिंबल को, क्योंकि मुझे पता है कि बी का काउंटिंग ए के ट्वाइस है, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग अगर 2 स्टैक सिंबल मेमोराइज कर दें तो उतने ही टाइम्स बी अपियर होगा। सिमिलरली इस ए के काउंटिंग पे भी हम लोगों ने डबल स्टैक को क्या कर दिया? पुश कर दिया। अब हर एक बी के रीडिंग पे हम लोग सिंगल स्टैक सिंबल को क्या करेंगे? आई डोंट नो क्या हो गया था, ब्लैक स्क्रीन चला गया था। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अभी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है ना। तो हर एक बी के काउंटिंग पे सिंगल स्टैक को हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉप कर रहे हैं। तो एक्स को मैंने पॉप किया, फिर से बी रीड हो रहा है, एक्स को मैंने पॉप किया, फिर से बी रीड हो रहा है, एक्स को मैंने पॉप किया, फिर से बी रीड हो रहा है, एक्स को मैंने पॉप किया। टर्मिनल कंडीशन क्या होगा? एप्साइलन रीड हो रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल क्या है? जेड नॉट है, तो एक्सेप्ट कर लेना। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक पे हमारा पीडीए मशीन बन जाएगा। पीडीए मशीन कैसे बनेगा भाई? तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है और अगर हम लोग ए रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो दो दो स्टैक सिंबल को हम लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जेड नॉट है तो दो दो स्टैक सिंबल को मैंने पुश किया। फिर से ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है? एक्स है, तो डबल स्टैक सिंबल को आप पुश कर दो, तो कितना हो जाएगा? ट्रिपल एक्स, ये तो पहले से था ही और ये 2 स्टैक सिंबल को मैंने पुश कर दिया। अब बी के रीडिंग पे हमें क्या करना है मेरे दोस्त? तो बी का रीडिंग हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में अगर एक्स है तो सिंपली से हमें पॉप करना है। और फिर से बी रीडिंग हो रहा है तो हमें क्या करना है? हर एक बी के रीडिंग पे एक्स को पॉप करना है। एंड एट द एंड मोमेंट द स्कैनिंग विल बी कंप्लीटेड एंड द स्टैक विल बी एम्प्टी। तो टर्मिनल कंडीशन क्या होगा? कुछ भी रीड नहीं हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, लेट इट बी जेड नॉट एंड जस्ट मूव टू द, बन गया। ऐसे हमारा बन जाएगा पीडीए, ऐसे हमारा बन जाएगा पीडीए। बात समझ में आ रहा है भाई? सिमिलरली सिमिलरली अब इस क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सोचो मेरे दोस्त। यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों का काउंटिंग क्या है? सेम है, तो बस ए के काउंटिंग को मेंटेन करना है, बी का काउंटिंग इंडिपेंडेंट है। तो बी पे कोई ऑपरेशन होगा क्या? स्टैक पुश पॉप करेंगे? नहीं करेंगे।
स्टैक का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें कुछ मेमोराइज करना होता है, भाई इस ए का और इस ए का काउंटिंग सेम है तो बस इस ए के काउंटिंग को मेमोराइज करना है, ताकि बाद में जब ये ए रीड हो तो उतने नंबर ऑफ चीजों को हम लोग क्या कर सके, पॉप कर सके। सो इफ यू विल मेमोराइज द काउंटिंग ऑफ दिस ए नेक्स्ट टाइम द सेम नंबर ऑफ ए शुड बी रीड। बी का जो काउंटिंग है वो किसी पे डिपेंड है क्या? नहीं है। तो बी के काउंटिंग पे स्टैक पे ना ही कुछ पुश होगा ना ही कुछ पॉप होगा। तो मशीन कैसे बनाएंगे, मशीन कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त? मशीन कुछ इस तरह से बनेगा, तो चलिए देखते हैं। ये क्यू नॉट स्टेट है और स्ट्रिंग आप कुछ भी ले लो, डबल ए ट्रिपल बी फिर से डबल ए, इन दोनों का काउंटिंग सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए रीड हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में, जेड नॉट है तो मैंने एक्स को पुश कर दिया, फिर से ए रीड हो रहा है एक्स है तो मैंने फिर से एक्स को पुश कर दिया। अब बीच में क्या रीड हो रहा है, बी, तो बी के किसी भी रीडिंग पे स्टैक पे ना ही कुछ पुश होगा ना ही कुछ पॉप होगा। मतलब अगर आप बी रीड कर रहे हो टॉप ऑफ द स्टैक में एक्स है तो इसको एक्स ही रहने दो। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स था अभी भी एक्स है, मतलब कि ना ही कुछ पुश हुआ है ना ही कुछ पॉप हुआ है और हम लोग सिर्फ स्टेट माइग्रेशन कर रहे हैं किस पे, Q1 पे। अब Q1 पे भाई B क्या एक ही रीड हो रहा है, नहीं, एनी नंबर ऑफ B कैन बी रीड, ठीक है ना? तो फिर से B रीड हो रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में X है तो इसे X ही रहने दो। बात समझ में आ रहा है? अब जब B का रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आगे फिर से कौन रीड होगा, A, तो मेरे दोस्त फिर से A रीड हो रहा है तो हमें क्या करना है, A रीड हो रहा है X है तो इसको पॉप करिए और यहां पर माइग्रेट करिए, दिस इज द स्टेट Q2। फिर से ए रीड हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है तो फिर से इसको हम लोग पॉप करेंगे। तो देखिए जितना ए रीड हुआ था, जैसे कि इसके रीडिंग पे, यहां पर हम लोग इसके रीडिंग पे एक्स को पुश किया, फिर से इसके रीडिंग पे एक्स को पुश किया, ये तो जेड नॉट था ही। बी के रीडिंग पे हम लोग सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं कुछ कर नहीं रहे, फिर से ए रीड हो रहा है इसको पॉप कर रहे हैं, फिर से ए रीड हो रहा है इसको पॉप कर रहे हैं, लास्ट में एप्सिलॉन रीड होगा ये जेड नॉट है एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यही यहां पर शो करना है। अब ए के सारे रीडिंग पे एक्स पॉप होता जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, एप्सिलॉन रीड हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, लेट इट बी जेड नॉट एंड मूव टू द फाइनल स्टेट दैट इज द की। बात समझ में आ रहा भाई? और ये बन गया हमारा पीडीए मशीन। क्या बन गया मेरे दोस्त? पीडीए मशीन बन गया। क्लियर है भाई? ठीक है ना? तो बहुत ही आसान है। अब जहां जहां काउंटिंग मेंटेन करना है बस उसी के बारे में सोचना है। जैसे कि यहां पर देखो इन दोनों का काउंटिंग क्या है, सेम है, तो बस यहीं पर स्टैक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका काउंटिंग इंडिपेंडेंट है तो इसके काउंटिंग पे स्टैक पे ना ही कुछ पुश होगा ना ही कुछ पॉप होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब इस स्टेटमेंट को आपको सिर्फ ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करेंगे तो आप लिख सकते हो ए का पावर एन, बी का पावर एम, सी का पावर एम एंड ए का पावर, सॉरी अगेन सी का पावर एन। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का काउंटिंग सेम है और इन दोनों का काउंटिंग सेम है, कैसे सोचेंगे? ठीक है ना? सिमिलरली यहां पर इन तीनों का काउंटिंग सेम है, तो आई एम लिविंग ऑल दिस प्रॉब्लम एज अ होमवर्क। ठीक है ना? इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप इसको ट्राई करके आना। मैंने सोचने का तरीका आपको बता दिया है, मैंने सोचने का तरीका आपको बता दिया है, ठीक है ना? कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसका मैंने आपको ओवरऑल एक तरीका बता दिया है। अब आपको ट्राई करके आना ये तीनों प्रॉब्लम्स, और कल के क्लास में इन तीनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सी, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही प्रॉब्लम्स हमें पीडीए में डिस्कस करना है, वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑलमोस्ट 40 एग्जाम्पल्स, कम से कम 30 से 40 एग्जाम्पल्स को हम लोग अटेम्प्ट लेंगे और जितने भी वेरिएशंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं सभी को एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल जंप टू द गेट प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रहा है भाई? तो कल के सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग 8:30, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आना, पूरे माहौल से आना। तो क्या है ना, पढ़ाने में भी मजा आता है। ऐसे क्या है कि अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, जो कंटिन्यूअसली कुछ बच्चे थे यूट्यूब से जुड़े हुए वो अभी अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके आइए, ऐसे मजा नहीं आता है। ठीक है ना? चार पांच बच्चे लाइव है उनको पढ़ा रहे हैं,
तो ट्राई टू शेयर द लाइक लिंक। अगर आपको लिटरली लग रहा है कि आप इस चैनल से कनेक्ट होकर करके आपको सीख पा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो जरूर मेरे दोस्त शेयर करना, शेयर एंड लाइक द लिंक। ओके, सो सी यू ऑल टुमारो शार्प एट 8:30 AM। ओके, सो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड टुमारो वी विल डिस्कस। क्लियर है भाई? लेकिन शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, क्योंकि पूरा माहौल चाहिए, क्योंकि जब माहौल बना हुआ रहता है ना तो खेलने में भी मजा आता है। ठीक है, सो सी यू ऑल टुमारो, बाय।